देखो अब इस मीटिंग का करने का मकसद आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को हम ये बात या ये जानकारी दे पाए कि आपका जो क्लस्टर मीटिंग आपका जो फेडरेशन है उसमें आप लोग मेंबर हो अब आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो आप लोग या आपके पति ये सोचें कि भाई आप मीटिंग में आते हो तो आपको क्या फायदा होता है जैसे हर महीने एक मीटिंग आते हो आप तो आपके समूह को तो लाए मेरे को लग रहा है पांच पाँच छः साल हो गए

क्या कोई तो ऐसा काम है जो कि इतना पैसा कमा के दे सके नहीं हो सकता ना लेकिन कब हुआ जब आप लोग एक जगह बैठी अपनी ताकत को को समझी और पैसे धीरे धीरे आगे बढ़ाना चालू किया ठीक है ना इसीलिए हमारा आप लोगों से कहना यही है कि जब हमारा बैंक बना है जब हमारा भी वो माइक्रो फाइनेंस से पैसा लेते हैं या फिर गांव में कोई ब्याज में पैसा देने वाला है उससे पैसा लेते हैं उससे क्या होता है कि वो महीने की महीने ब्याज बढ़ता चला जाता है हम मूल नहीं दिया जाता और ब्याज हमारा बढ़ता चला जाता है इसलिए देखो आप लोगों का समूह बनाने का मकसद हमारा क्या था कि जो पैसा हाथ में है उस पैसे को बैंक में पहुंचा दें आजकल सभी के घरों में स्मार्टफोन्स हैं नेट की कनेक्टिविटी है इंटरनेट है उसके माध्यम से आप सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं या कुछ भी आपको जानना है चाहे आपको पशुपालन के बारे में जानना है या खेती बाड़ी के बारे में जानना है जो समस्या है आप YouTube में अगर डालेंगे जाके वो समस्या कि बकरियों में ये बीमारी आ रही इसका क्या समाधान है तो बहुत सारे लोगों के वीडियोस और उसमें बहुत सारा कंटेंट या मटेरियल आ जाता है जिसको आप सोच के समझ के पढ़ के आप उसको अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कहीं नहीं गए किसी के पास सीखने नहीं गए उन्होंने वीडियो के माध्यम से बहुत सारी सीखी बहुत सारी चीज़ें और उनको अपनाया और आज वो बहुत अच्छे व्यवसायी बन गए उद्यमी बन गए तो मेरे कहने का मतलब ये है आप लोगों को जागरूक रहना है जहाँ से आपको ज्ञान मिल सकता है वो लेना है और संगठन में रह करके आपको काम करना है निश्चित तौर से आप सभी लोग सफल हो जाएंगे ठीक है जैसे पशुपालन की मैं बात करूँ क्योंकि किसान है तो पशुपालन उनके लिए बहुत आवश्यक है अभी पिछला अगर टाइम में देखो तो सभी लोग गाय भैंस रखते थे बहुत सारे लोग बकरियां भी पालते थे कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुर्गी पालन भी करते थे अपने घरेलू लेवल पे तो ये सारी चीज़ें आज की हमारी डिमांड हो गई है कि अब हर व्यक्ति को ये सारे काम करने पड़ेंगे सिर्फ गाय भैंस रखने से काम नहीं चलने वाला क्योंकि आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि गाय और भैंस को पालने पर आजकल खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तोड़े के रेट्स देख लो आप महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है या अनाज के रेट्स देख लो पशु को बांट खिलाते हो आप लोग उसका कितना महंगा पड़ रहा है सारी चीजें महंगी हो रही हैं यदि आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट करोगे तो शायद आपको ऐसा लगेगा जो मैंने महीने भर में पशु को खिलाने पिलाने पर खर्च किया उतना महीने भर के दूध बेचकर हमको कोई फायदा नहीं हुआ बस अपने परिवार के लिए दूध दही छाछ जो भी हो गया परिवार के सदस्यों ने उसको खा पी लिया लेकिन अगर हम आय की बात करें तो हमें कुछ खास फायदा नहीं हुआ ठीक है तो ये फायदा अब कैसे हम ले सकते हैं या आजकल की समय की क्या डिमांड है हम कैसे पशुपालन करें या कैसे खेतीबाड़ी करें ताकि हमें उससे ज्यादा से ज्यादा इनकम मिले पहली चीज सभी के पास जमीन लगातार कम होती जा रही है प्रति व्यक्ति या प्रति परिवार के हिसाब से हम देखें तो शायद दो से तीन बीघे एवरेज आता है किसी के पास आधा बीघे भी है किसी के पास चार पांच बीघे है ठीक है तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाई कर सकते हैं एक मॉडल बता रहा हूं आपको यदि आप उस पर चलेंगे तो आपको फायदा होगा या आप देखते होंगे अपने घर के या गांव में आसपास जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा किसी के पास मानता हूं ये क्या दो बीघे ज़मीन है ठीक है तो उसको अनाज वाली फसलें कम लगानी चाहिए उसको थोड़ी बहुत दूर में बाड़ी लगानी चाहिए आधे बीघे में या उससे भी कम में लगा सकते हो क्योंकि बाड़ी के लिए कम जगह चाहिए और उससे ज़्यादा उत्पादन मिलता है और लंबे समय तक उत्पादन मिलता है तो उससे आपकी इनकम जो है बढ़ती है ठीक है तो जैसे आपने थोड़ी बहुत बाड़ी लगा ली दूसरी चीज़ें गाय भैंस तो हमें रखना ही है उसका जो गोबर है उसको जनरली आप लोग रूढ़ी में डालते हैं कहीं पर इकट्ठा करते हैं और फिर आप खेतों में डालते हैं थोड़ा सा उसमें बदलाव करने की जरूरत है आप कहीं पर खड्डा बना लो या पॉलीथीन की सीट्स आती हैं आजकल बेड्स आती हैं तो उसमें आप पशुओं का गोबर डाल दो उसी में केचुए डाल दो वर्मी कंपोस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा आपके ग्रुप के बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं आप जाते होंगे देखते होंगे छोटी सी चीज़ है ये सिर्फ गोबर को एक जगह इकट्ठा करके उसमें केचुए डालना है ये खाद और आपकी जो सिंपल कंपोस्ट है गोबर का सड़ा हुआ खाद उसकी तुलना में ये तीन से चार गुना ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर है इसमें यूरिया से नाइट्रोजन मिलता है उसकी मात्रा नॉर्मल कंपोस्ट की तुलना में तीन से चार गुना ज़्यादा होती है जमीन सबके पास कम है पशुओं के गोबर को आपने एक जगह इकट्ठा किया केचुएं डाल दिए 50 से 60 दिन का टाइम लगता है इसको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करने में उसको आपने बाद में केचुओं को छान के अलग कर लिया जो हमारी खाद बची वर्मी कंपोस्ट उसको कट्टों में भर के रख लिया दोबारा से नया गोबर डाला फिर से केचुए उसमें डाल दिए इस तरह से अगर पूरे साल भर में आपने अच्छा खासा वर्मी कंपोस्ट बना लिया है तो अपने खेतों में अगर आप डालेंगे ठीक है तो उसमें आपको रासायनिक खादों की कम आवश्यकता पड़ेगी आज के समय में रासायनिक खादों को डालने के बावजूद भी प्रोडक्शन अच्छा नहीं आ पा रहा है वो इसीलिए नहीं, नहीं आ रहा है कि रासायनिक खादों में सिर्फ केमिकल्स होते हैं जो हमारा कार्बनिक मटेरियल होना चाहिए वो चीज़ नहीं है इसकी वजह से दिक्कत आ रही है तो यदि आप अपना ये वर्मी कंपोस्ट अपने खेतों में या बाड़ी में आप डालेंगे तो इससे आपको ये फायदा है कि रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होगी आपके खेती बाड़ी में जो खर्चा लगता है ज्यादा महंगी उर्वरक डालते हैं उससे आप बच जाओगे ठीक है तो ये काम हो गया आपके पशु रखने का एक उद्देश्य पूरा हो गया आपने वर्मी कंपोस्ट बना लिया अपने खेतों में डाल लिया तो ये यहां पर आपकी जो खर्चे थे वो किसी ना किसी तरह से कम हो गए दूसरी बात आती है कि भाई और कैसे हमारी इनकम बढ़े जो लोग बकरी पालन करते हैं तो अच्छा है जो नहीं करते हैं उनको करना चाहिए उनको इसलिए करना चाहिए क्योंकि गाय भैंस तो हमारे लिए आवश्यक है खेती है उसके लिए हमें गोबर चाहिए या वर्मी कंपोस्ट बनाना है या हमारे घर परिवार के लिए दूध भी आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए या उससे बेचकर हमें कुछ इनकम भी आ रही है साथ ही साथ जो हमें और ज़्यादा इनकम दे सकता है वो है बकरी पालन बकरी पालन इसलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि हर परिवार यदि दो से तीन बकरियों को पालता है एक बड़ी बकरी की कीमत क्या है बताओ जी पंद्रह हजार रुपए मान लिया मैंने है? बताएंगे बगेरे को बताएंगे यदि बगेरा खाता है उसका भी सोल्यूशन बताएंगे इन्होंने बताया कि पंद्रह हजार रुपए ठीक है बारह से पंद्रह हजार रुपए की बड़ी एक बकरी आपको मिल सकती है कितने बार बच्चे देती है दो बार देती है ना पांच महीने का उसका गर्भकाल होता है और बच्चा देने के बाद लगभग डेढ़ से दो महीने के बाद दोबारा वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग 400 दिन में वो दो बार बच्चे दे देगी ठीक है और यदि आप अच्छी नस्ल रखते हो सिरोही नस्ल रखते हो तो आपको एक बार में दो या तीन बच्चे मिलते हैं इस नस्ल की विशेषता है इससे ज़्यादा बच्चे मिलते हैं नहीं तो बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं जिससे एक ही बच्चा मिलता है तो यदि कम बच्चे मिलेंगे तो उससे आपको नुकसान है तो आप सिरोही नस्ल की अगर बकरियां रखते हैं तो उससे आपको ज़्यादा बच्चे मिलेंगे एक साल में उससे आपको मान लिया मैंने चार बच्चे मिल गए और एक बच्चे को अगर आपने सात से आठ महीने तक उसकी देखभाल कर ली इनकी जो मार्केटिंग एज होती है जिस समय मीट के लिए इनको बेचा जाता है तो आठ से नौ महीने की एज बेस्ट मानी जाती है तो आठ से नौ महीने की उम्र का जो बच्चा होगा बकरी का लगभग सात से आठ हजार रुपये का बिक जाता है साल में आपने चार बच्चों को पाल लिया कितने के हो गए अट्ठाइस तीस हजार के हो गए आपके और बकरियों को एक बकरी का मैंने कैलकुलेशन बताया यदि कोई भी महिला या किसान दो बकरियां रखता है तो मुझे आप बताओ कि उनके खिलाने पिलाने पर कितना तो आपको खर्च करना पड़ता है कितना तो उनकी आवास के लिए ज्यादा आवश्यकता नहीं है बहुत सारे किसान तो हैं जिस झोपड़ी में रहते हैं घर में मकान में रहते हैं उसी में पास में बकरी को बांध लिया कोई तो अलग से ज्यादा उसके लिए आवास की आवश्यकता नहीं है और रामपुर और बहराम का बास ऐसा क्षेत्र है यहां पर अगर आप उसको घर में कुछ भी ना खिलाओ चार पांच घंटे के लिए आसपास डोला लो तो भी आपका काम हो गया तो इस तरह से यदि दो से एक बकरी से आपको 25 से अट्ठाईस हजार रुपए एक साल में मिल सकते हैं यदि आप दो या तीन बकरियां तीन बकरियां अगर कोई महिला पाल लेती है तो मैं मानता हूं पैंसठ से सत्तर हजार रुपए आसानी से उसके बच जाएंगे और इतना ही पैसा शायद आप एक भैंस की देखभाल करके बचा सकते होंगे खर्चा निकाल के इससे ज्यादा नहीं बचता होगा आपको इतना भी नहीं बचता होगा तो इसलिए एक तो आपने गाय भैंस पाली उसके दूध से उसके गोबर से आपको इनकम आ रही है दो तीन बकरियां पाल ली उससे आपको इनकम आ रही है साथ ही साथ आपको भले ये थोड़ा सा हंसी वाला या मजाक वाला लगता हो आने वाला टाइम जो मैं बता रहा हूं ये सभी को करना पड़ेगा देसी नस्ल की अगर कोई मुर्गियां रख ले बीस से तीस कुछ नहीं करना है जहां पर आपका घर है आसपास थोड़ा तारबंदी कर दीजिए इनके लिए पतला सा तार आता है ना जो उसको एक साइड में कहीं पर तारबंदी कर दिए और थोड़ी सी छायादार जगह बना दिया छायादार जगह इनके लिए जरूरी नहीं पक्का बनाओ आप सिंपल सा टीन डाल दिया या घास फूस से इनके लिए घर बना दिया बस ये है कि ठंड की सीजन में या गर्मियों में रात में आप इनको अंदर बंद कर सके तारबंदी से क्या होगा बिल्ली या कुत्ता उसके अंदर एंट्री नहीं करेगा तो इनको मार नहीं सकता है देसी मुर्गी का अंडा जो है एक अंडा इस सीजन में पता है किस रेट में बिक रहा है आइडिया होगा आप लोगों को नहीं पता 40 से 50 रुपए एक अंडे की कीमत है देसी वाले की सर्दियों की सीजन में ढूंढे नहीं मिलता वो ठीक है यदि किसी के पास 30 मुर्गियां हैं या 20 हैं और 20 में से अगर 10 ने डेली अंडा दिया उसको 40 रुपए रेट मैंने मान लिया चार रुपए के अंडे डेली के हो गए पता भी नहीं चला आपको इससे प्रॉफिटेबल कोई चीज़ है नहीं मैंने बड़ा बिजनेस क्यों नहीं बताया कि आप पाँच हज़ार या दस हज़ार मुर्गियों को रखो वो इसलिए हर किसान नहीं कर सकता इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता उसके लिए अलग से बाड़ा चाहिए अलग से फीड चाहिए आठ से दस लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है उसमें बीस मुर्गियां रखने के लिए शायद आपको कुछ नहीं करना है बस उसके चुज्जे एक बार आप खरीद के ले आओ और घर में जो भी सामान उपलब्ध है उससे उसके लिए बाड़ा बना दिया और थोड़ा बहुत दाना डाल दिया बस अच्छी खासी इससे इनकम हो जाएगी तो ये इंटीग्रेशन का जो मैंने सिस्टम आपको बताया है और एक चीज़ मैं आपको बताऊं आने वाले टाइम पर हर चीज़ की क्राइसिस बढ़ेगी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी क्योंकि कृषियों की जमीन भी घट रही है लगातार जिन खेतों में अनाज उगाया जाता था आज वहां पर या तो कोई फैक्ट्री लग गई है या किसी ने फ्लैट्स बना दिए हैं या मकान बना लिए हैं लोगों ने तो आने वाला जो टाइम होगा वो कैसा होगा जो आप घर बनाओगे जो नीचे वाला तल्ला होगा उसको आप पशुओं के लिए रख दोगे कि नीचे हमारे गाय भैंस या बकरियां या मुर्गियां रहेंगी उसके ऊपर वाला जो होगा उसमें आप अपने रहने के लिए अपना घर बनाओगे क्योंकि ज़मीन की बहुत ज़्यादा क्राइसिस होने वाली है फिर उसके बाद सिस्टम हुआ कि भाई मुर्गियों के लिए जगह अब भी कम पड़ रही है फिर एक सिस्टम होता है उसको रैक सिस्टम बोलते हैं कि छोटे छोटे दो दो फिट के डिफरेंस पर उनके लिए घर बना दिया दो फिट वाले में एक पेन में तीन चार मुर्गियां रख दी इसलिए एक कमरे में जहाँ पर हम 20 मुर्गियाँ रख सकते थे उसमें आप 100 से 150 रख सकते हो तो ये सारी चीज़ें आगे हमारे सामने आने वाली हैं यदि आप अभी से उसके लिए जागरूक हो जाओगे वो सारे काम करने लग जाओगे आपकी इनकम बढ़ेगी आप अपने साधनों को जुटा पाओगे और आने वाली जो समस्याएं हैं या जो चैलेंज हैं वो आपके साथ कम होगा अपने परिवार के लिए आप अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन दे पाओगे अच्छा माहौल दे पाओगे ठीक है ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि कर नहीं रहे बहुत सारे किसान हैं जो इस सिस्टम पर आ गए हैं नालपुर का एक किसान है बड़ौत के पास एक गांव पड़ता है हमारे टच में है वो उसके पास चार बीघे ज़मीन है चार बीघे ज़मीन की तारबंदी उसने करवा रखी है उसके अंदर सुनना कि चार बीघे से वो कितनी इनकम करता है कोई मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको चार बीघे की तारबंदी है उस चार बीघे में आधे बीघे में उसने एक बगीचा लगा रखा है अनार का है और नींबू का है ठीक है और उसके अलावा उसने एक बीघे में पशुओं के लिए चारा वगैरह लगाता है वो गाय भैंस रखता है बकरियाँ रखता है और मुर्गियां रखता है ठीक है इनको क्या करता है गाय भैंस को तो बांध के रखता है बकरियों को जो रखता है वो उनके लिए जो उसने बगीचा लगा रखा है पौधे बड़े हो गए बड़े पौधों को बकरियां कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं उसके अंदर जो भी घास होती है वो उसके लिए चारा हो गया बकरियां वहां घूमती फिरती हैं मीगड़ी उनकी वहीं पर गिरती है उनके लिए खाद का काम करती हैं उन पौधों के लिए तो उसके लिए उनके लिए चारा अलग से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी उसी क्षेत्र में अपनी मुर्गियों को दिन के टाइम छोड़ देता है लगभग सौ मुर्गियाँ रखता है वो ठीक है देसी नस्ल की सारी की सारी हैं उसके बाद में उसने एक पर्ल फार्मिंग मोती वाला भी गोकुल जी वो कर रहा है अब धीरे धीरे उसके मार्केटिंग के चैनल बन गए दिल्ली गुड़गांव और जयपुर कई लोगों से उसकी लाइजनिंग है जहां पर वो मोतियों को बेच देता है मोतियों में कुछ उसको नहीं करना है पक्के सीमेंट के उसने वो हौद बना रखे हैं और उसमें पानी भर रखा है उसमें जो मोती का बीज आता है उसको उसमें डाल देता है और लगभग साठ से सत्तर दिन का टाइम लगता है जो सीप से मोती बनता है जो मूंगा बनता है उसका इतना टाइम लगता है उसके बाद वो उसकी सेलिंग करता है अब उसमें क्या होता है जो मोती का सीड उसने उसमें डाला था सारे के सारे तो नहीं बचते लगभग 10 से 15 प्रतिशत मोती मर जाते हैं मोती में क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है ठीक है जो 10 से 15 प्रतिशत मर गए उनको अलग कर लिया पीस लिया उसका पाउडर बना लिया और उसमें कैल्शियम फॉस्फोरस दोनों चीजें होती है जो चाहे फसल हो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो सभी को चाहिए और जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं उनको विशेष तौर से कैल्शियम फास्फोरस चाहिए क्योंकि अंडे के ऊपर जो लेयर रहती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है तो उसको मुर्गियों को अलग से खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी ये इंटीग्रेशन है कि एक चीज का जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा उसको दूसरे में उसने इनपुट के लिए यूज कर लिया मार्केट से उसको कोई फीड सप्लीमेंट अपनी बकरियों को या मुर्गियों को उसने नहीं दिया ठीक है अब देखिए सौ से डेढ़ सौ मुर्गियां वो रखता है इस सीजन में उसको अंडे लगभग डेली साठ से सत्तर अंडे मिलते हैं देसी नस्ल के हैं एक अंडे की कीमत चार चालीस रुपए ठीक है।, है तो आराम से दो ढाई हजार का उसका डेली का डेली इनकम जा रही है अब इसमें मुर्गी पालन में थोड़ी सी दिक्कत गर्मियों के सीजन में आती है उस समय क्या है अंडे की डिमांड कम हो जाती है बहुत सारे लोग जो अंडे खाते भी है वो भी खाना कम कर देते हैं क्योंकि वैसे ही ज़्यादा हीट होती है ना इसमें तो उस समय वो क्या करता है एक छोटी सी मशीन है जिसमें पाँच से छः हज़ार रुपये खर्च होते हैं जैसे अंडे पर जब मुर्गी बैठती है उसके बाद ही बच्चा निकलता है ना अंडे के बाद अट्ठारह से बाईस दिन का टाइम लगता है अंडे से बच्चा बनने में ठीक है थीके? उसने क्या किया एक छोटी सी मशीन बना ली जो हैचरी होती ना है ना जहाँ पर चूजे बनाए जाते हैं अंडे से चूजा जब निकलता है तो उसमें तीन चीज़ें चाहिए होती है एक तो लाइट होनी चाहिए दूसरा तापमान मेंटेन होना चाहिए और तीसरा ह्यूमिडिटी जिसको आर्द्रता बोलते हैं ये तीन फैक्टर की आवश्यकता है तो बड़ी हैचरी ना लगा के उसने छोटा सा बॉक्स में तीनों चीज लगा दी लाइट के लिए बल्ब लगा दिया ठीक है तो इससे लाइट भी हो रही है और तापमान भी मेंटेन होगा उसके लिए उसमें उसने देखा कि भाई इस समय ठंड का सीजन है ठीक है ठंड का सीजन है तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके अंदर एक प्याला होता है छोटा सा जिसमें पानी भर देते हैं ठीक है गर्मी होगी अंदर पानी है तो ह्यूमिडिटी उसकी मेंटेन रहेगी तीन चीज़ों की आवश्यकता थी तीनों चीज़ों पूरी कर दी एक छोटा सा बॉक्स है और उसकी कीमत पाँच से छः हज़ार रुपये है उसमें वो लगभग पचास से साठ अंडे एक बार में रख सकता है ठीक है उसने साठ अंडे उसमें रख दिए और 18 से 22 दिन के बाद उसमें से 60 में से लगभग 50 चूजे निकल जाते हैं क्योंकि 10 लगभग खराब हो जाते हैं अब अंडे की डिमांड तो गर्मियों में कम है बट मुर्गी पालने वालों की डिमांड तो है मीट के लिए तो डिमांड है तो उस समय उसके चुज्जे अच्छी रेट में बिक जाते हैं उस किसान का ये दिमाग ही तो है तो बैंक को भी लगता है साहब ये तो पैसा हमारा अदा कर देगा ये तो अच्छी बिजनेस कर रहा है पैसा कमा रहा है तो इसको कहाँ दिक्कत आ रही है दिक्कत किसान को आती है बैंक भरोसा नहीं करता किसान को अगर हमने फसल के नाम पर लोन दे दिया फसल बर्बाद हो गई किसान क्या करेगा कहाँ से अदा करेगा या पशु के नाम पर दे दिया पशु में बीमारी आ गई मर गया कहाँ से अदा करेगा तो तो ये रिस्क होता है इसलिए जो ये विकल्प आपने निकाला है गोकुल जी ने इसमें आप लोगों की बहुत मदद की है तो ये बहुत बड़ी बात है अगर आपके एक चौदह या दस महिलाओं का एक संगठन है जिसमें तीस चालीस या पचास हजार रुपए आपके इकट्ठे हैं तो आप सभी लोग उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं और जो ब्याज आप अपने लिए दोगे ब्याज जनरली आप दूसरे के लिए देते हो लेकिन ये सिस्टम ऐसा है जिसमें आप अपने लिए ब्याज देते हो ये जो सिस्टम आगे बढ़ेगा आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करेगा कोई भी काम करो जैसे आ, हो सकता है आपके फैमिली वाले बोले कि भाई हम पैसे नहीं दे रहे तो आप लोग इसमें जुड़ रहे हो आप किसी भी ग्रुप से दस हजार या पंद्रह हजार रुपए किसी एक महिला ने महिला ने लिया और जाके अपना एक बकरी खरीद लिया जो भी करना है वो आपने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया दस हजार रुपए की आपने एक बकरी खरीद ली ठीक है और एक साल में उसने चार बच्चे दे दिए उससे आपको पच्चीस अट्ठाईस हज़ार रुपए की बचत आ गई आपने दस हज़ार वापस कर दिए पंद्रह हज़ार बच गए बकरी अभी भी है और बच्चे भी हैं तो बिजनेस का ये तरीका होना चाहिए कि जो पैसा हम लगा रहे हैं उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आना चाहिए वापसी आना चाहिए यहां तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए कि साहब हम सभी लोग महीने में एक बार इकट्ठे हुए दो हज़ार या पाँच सौ रुपये इकट्ठे कर लिए जमा कर लिए तो उससे जो ब्याज से हमें फ़ायदा होता है वो बहुत लिमिटेड है ज्यादा प्रॉफिट नहीं है लेकिन उस पैसे को अगर आप कहीं बिजनेस में लगाते हो तो उससे पैसा आपका दो गुना तीन गुना चार गुना पाँच गुना तक भी होता है तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है अभी जैसे गोकुल जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया मैंने भी देखा था इस बार दिवाली पर जो गायों के गोबर से महिलाओं ने दीपक बनाए थे और ये ट्रेंड चल गया क्रेज आ गया है हर कोई बंदा वापस जाना चाहता है तो हर कोई चाहता कि यार वैसे दीपक न लाके गोबर के दीपक अगर हम घर में चलाएं और सच्चाई भी है यदि गोबर का दीपक आपके घर में जलेगा तो उससे जलने के बाद जो भी खुशबू आती है या वातावरण हमारा शुद्ध होगा उससे अच्छा कुछ नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा नए विज़न के साथ नई सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे और आपके साथ अच्छी बात यह है युवा जागृति संस्थान है जो आपको समय समय पर गाइडेंस देता रहेगा हमारी कभी आवश्यकता पड़ती है हमारा भी केंद्र है कभी भी आप आ सकते हैं वहाँ से भी जो भी जानकारी आपको चाहिए पशुपालन खेती बाड़ी या जो भी बगीचा के बारे में वो हमारे एक्सपर्ट हैं आप लोगों को सारी जानकारियाँ देंगे लेकिन पहले ही मैंने बोला कि आपको जागरूक होना पड़ेगा आगे बढ़ना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा उस काम को करने के लिए ये तो बातें हुई कि आपको आज के परिवेश में कैसे काम करना है खेती से जुड़ करके अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ गाय भैंस तो सभी पालते हैं इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं समस्याएं आती हैं बट वो डट नहीं रहा है बार बार फिर जा रहा है ठीक है सबसे गंभीर समस्या सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसान को होता है तो इस बीमारी से होता है उसके अलावा बहुत सारे पशु ऐसे भी है बच्चा दिया और जेर नहीं घेरते ये सिर्फ छोटी सी समस्या लगती कि जेर नहीं गेरा कोई बात नहीं डॉक्टर को या एलएसए को बुला के जेर बाहर करवा दी सब कुछ ठीक हो गया यहीं से समस्या स्टार्ट होती है यदि पशु ने जेर नहीं डाला अच्छा दूध नहीं मिलेगा अगली बार समस्या ताव पर नहीं आएगा बच्चेदानी में इंफेक्शन होगा या उसको अबॉर्शन भी हो सकता है अगले ब्यांत में ठीक है एक और समस्या आती है पशु में फूल दिखाई देने की समस्या खूब आती है एक ऐसी समस्या है जिसका एलोपैथी में अभी तक कोई ट्रीटमेंट या इलाज उपलब्ध नहीं है मैं बताऊंगा आपको कि इसका समाधान या उपाय आप कैसे कर सकते हो तीन चार मुख्य समस्याएं सीजनल डिजीज की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है गला गलाघोटू की बीमारी आती है खुरपका मुपका की बीमारी आती है निमोनिया की बीमारी आती है और बाय की समस्या रहती है पशुओं को कई बार ठीक है खुरपका मुपका का टीका लगता है बाय के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए ठीक है ये चार पांच मुख्य चीजें हैं जिसको आप शॉर्ट में सुन लेना ध्यान रखना ऐसा करोगे आपको कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे और पशु आपका स्वस्थ रहेगा बीमार नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग करते हैं हम बांसपन की समस्या से सबसे पहले तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि आज अगर आपके पशु ने बच्चा दिया है तो कितने महीने के बाद दोबारा से उसे प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए महीने दो, दो 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 सही बताया से तीन महीना यदि किसी पशु ने गाय या भैंस ने आज बच्चा दिया है तो उसे बच्चा देने के ढाई से तीन महीने के बाद दोबारा से ज्ञापन हो जाना चाहिए यह सही टाइम है और वो दस महीने बाद ज्ञापन हो जाए तो क्या दिक्कत है भाई इनकी बहस थी वो बच्चा देने के तीन महीने बाद ज्ञापन होगी और आपकी भैंस बच्चा देने के बाद दस महीने बाद ज्ञापन हुई तो क्या दिक्कत हुई ये तो दस दे दो दे दस बाद वो दस किलो दस महीने बाद दो किलो दूध देगी हाँ। ये बात है तो यानी आपको नुकसान होगा हो इससे भी बड़ी बात यह है कि जो वो बच्चा देने का टाइम है वो आपका बहुत लंबा हो गया जिस पशु को तीन महीने के बाद ज्ञावन हो जाना चाहिए था उसने उसने कितना टाइम एक्स्ट्रा लिया पांच महीने आठ अगर वो आठ महीने के बाद प्रेग्नेंट होती है तो ठीक है पांच महीने का नौ हजार रुपए पर महीने के हिसाब से यानी पैंतालीस हजार रुपए का नुकसान आपको खिलाने पिलाने में हो गया पहला नुकसान पैंतालीस हजार का फिर उसके बाद चार से पाँच महीने के बाद जो पशु का उत्पादन है वो लगातार कम होने लगता है जो भी आपने बताया कि पहले आठ या दस लीटर मिलता है और उसके सात आठ महीने बाद दो लीटर मिलता है उत्पादन कम हुआ वो नुकसान प्लस पैंतालीस हजार रुपए का खिलाने पिलाने का ये नुकसान तो इसलिए ये आपका जो बांसपन की समस्या है इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है तो इसकी इसका समाधान कैसे करोगे कि हमारा पशु बच्चा देने के ढाई से तीन महीने के बाद दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाए ठीक है तो इसके लिए क्या करेंगे किसान क्या करता है पशु ने बच्चा दे दिया कोई दिक्कत नहीं खूब आराम से ताश खेलता है इधर उधर घूमता फिरता है जब हो गए आठ महीने बच्चा दी हुई तब उसको याद होता है कि इसने तो दूध कम कर दिया तो घर वालों ने बताया अभी तो यह दोबारा से हुई नहीं है हरी नहीं हुई है तो बोलते है, अच्छा ऐसी बात है क्या तो फिर वो डॉक्टरों के पास इधर उधर भागता कि साफ दवाइयां तो ये दो वो दो तो इसलिए हमें नुकसान ना हो पशु का बच्चा दी हुए ढाई से तीन महीने का टाइम हो गया है तो अब हमें उसका उपचार स्टार्ट कर देना चाहिए लॉकिंग सिस्टम होता है लॉक रहता है कितना भी जर्क लगे कुछ भी हो जाए पशु कितना भी उलट पलट करे बट बच्चा बाहर नहीं आएगा वो इसीलिए नहीं आता वो लॉकिंग सिस्टम से पूरी तरह से लॉक होता है और जेर को बाहर आने का सिस्टम यही बोलते हैं कि जब बच्चा देने के बाद ये लॉक खुल जाता है ढीला हो जाता है तो सारी की सारी जेर बाहर आ जाती है ये नॉर्मल सिस्टम होता है लेकिन ये जेर के लॉक को खोलता कौन है जैसे अभी इन्होंने बताया कि जैसे ही बच्चा पशु ने बच्चा बाहर किया और वो आधे घंटे बीस मिनट पच्चीस मिनट में जैसे ही वो खड़ा हुआ इन्होंने तुरंत उसको दूध पिला दिया तो उसका वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब बच्चा दूध पीने के लिए जाता है अपने मुंह से थन को टच करता है उस टाइम पर पशु के सर में एक ग्रंथि होती है वहां से एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोशन इस हार्मोन के शरीर में दो ही काम होते हैं कि पशु की आवरी में संकुचन पैदा करना तो उससे थनों में दूध आ जाता है और बच्चेदानी में संकुचन पैदा करना ये इस को लूज कर देना और जेर को बाहर कर देना तो आगे से आपको क्या करना है करना। आगे से यही करना है आपको भी दूसरा दूसरा इसका इंपॉर्टेंस बताता हूं आप सभी को पता है कि ये जो खीस है जो तीन चार दिन तक आता है बच्चा देने के बाद ये दूध से अलग है अलग है नहीं है अलग है इसमें दूध की तुलना में प्रोटीन फैट और वैटामिन दूध की तुलना में पांच से सात गुना ज्यादा पाया जाते हैं वो क्यों नेचर नेचर बेवकूफ थोड़ी ना है भगवान उसने भी जैसे अपने इंसानों में बोलते हैं कि मां का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए बोलते नहीं बोलते आंगनबाड़ी में सभी जो कार्यकर्ता होंगी आप सभी को समझाती होंगी बोलती ना वो क्यों बोलती है उसका भी यही सेम कॉन्सेप्ट है।, है बच्चे को जन्म लेते ही उसको दूध पिलाइए बोलते ना सेम सिस्टम पशुओं में भी है उसका कारण यह होता है कि जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है या जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं वो बच्चे को इसलिए पिलाते कि उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन नाम की एक पोषक तत्व तो पाया जाता है जो उस बच्चे को मां से सिर्फ कब मिलता है जो पहला दूध होता है या दो तीन दिन तक जो दूध आता है सिर्फ उससे मिलता है और उसको पूरी जिंदगी में इस तरह का पोषक तत्व तो किसी भी चीज से नहीं मिलता चाहे पशु हो या इंसान हो आप इम्यूनिटी के बारे में भी बहुत सीख गए तो उससे क्या होता है क्योंकि बच्चा अभी छोटा है उसके सारे अंग काम करना स्टार्ट नहीं किए हैं तो इसकी वजह से कोई भी इंफेक्शन कोई बीमारी उसको ना लग जाए उसके लिए ऊपर वाले ने यह बनाया कि माँ के दूध से यह पोषक तत्व तो दे दो तो बच्चे के लिए यह कवच का काम करता है उसको बीमारियां नहीं लगेंगी वही चीज पशुओं में भी किया है कि उस बच्चे को जो आप खीस पिलाओगे तो उसके लिए बहुत ही लाभकारी होगा उसकी जिंदगी के लिए उसके स्वास्थ्य के लिए ये क्या होता है हमारे खून के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको एक बीमारी होती है डेंगू बुखार उसका परजीवी उनको मार देता है उसकी वजह से हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है और प्लेटलेट्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमारी बॉडी में एक लिमिट से ज़्यादा कम हो गई तो कोई इंसान बच नहीं सकता हमारे इंसानों में कितने होती है लगभग साढ़े चार लाख प्लेटलेट्स इंसानों में पाई जाती है यदि ये चालीस हजार से नीचे आ गई तो समझ लो उस व्यक्ति को खतरा है तभी होता ना डॉक्टर कहते हैं डायरेक्ट प्लाज्मा चढ़ा दो या प्लेटलेट्स चढ़ा दो इसको ताकि इसकी जिंदगी बचानी है तो बकरी का जो दूध है इसमें एक ओमेगा थ्री फैटी एसिड पाया जाता है जिसकी वजह से इंसान के अंदर जैसे ही वो जाता है दूध वो उसकी प्लेटलेट्स के नंबर्स को बढ़ा देता है इसलिए डेंगू बुखार में डॉक्टर बोलते हैं आप दवाई खाओ या ना खाओ बट डेली आधा लीटर आप बकरी का दूध पी लो पशु ने बच्चा दिया उसके बाद सबसे पहले आप पशु को क्या खिलाते हो गुड़ खिलाती हैं नीम की पत्तियां खिलाती हैं और सूखा है? बाजरा और आप ज़्यादातर लोग क्या करते हैं मेथी भी खिलाती और, और जी ठीक है इनका जो प्रैक्टिस है वो लगभग ठीक है लेकिन थोड़ा सा बदलाव कर लेना पशु ने बच्चा दिया बच्चा देने के बाद लगभग उसको एक घंटे तक रेस्ट करने दो थकान आता है ना उसको अब उसको आवश्यकता है दो चीज़ों की एक तो पानी उसकी बॉडी से बाहर आया थकान की वजह से उसके शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी हो गई है ठीक है आपने जो मेथी खिलाई है या बाजरा खिलाया है इससे ऊर्जा मिलने में सात से आठ घंटे का समय लगता है वो अंदर जाएगा पाचन होगा फिर कई चीजों में टूटता है तब जाके ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से ही ऊर्जा मिलती है यदि पशु को आप गुड़ खिलाते हो तो गुड़ में कोई परिवर्तन नहीं होता डाइजेस्ट हुआ सीधा ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और उसके शरीर को मिल गया तो सबसे पहला जो हमारा काम है पाँच सात लीटर पानी लो हल्का निमाया गर्म कर लो आधा किलो गुड़ उसमें घोल दो सबसे पहले पशु को आप ये पिला दो उसके बाद आप नीम की पत्तियां खिलाओ अच्छी चीज है बढ़िया प्रैक्टिस है फिर आप जो मेथी खिलाते हो ये भी अच्छी बात है फिर आप जो भी आहार देते हो उसको खिलाओ तो इससे क्या होगा उसके अंदर ताकत आएगी और जेर और जल्दी बाहर आएगी ये दो काम करने से जेर पशु की बहुत जल्दी बाहर आती है उसके बाद में पशु की छटाई अच्छी हो गंदगी जल्दी से बाहर हो जाए उसके लिए क्या करते हो आप लोग है सिर्फ गुड़ गुड़ और मेथी ठीक है ये भी लेकिन थोड़ा और कर लो आप महिलाएं हैं आप सभी लोग जानते हैं जैसे आप लोगों में होता है कि भाई बच्चे का जन्म हुआ उस महिला के स्वास्थ्य के लिए उसका शरीर फिर से विकसित हो बिल्कुल वही चीज़ सही बात बोलो पशुओं के लिए बता रहा हूँ ढाई ग्राम सुन तो लो ढाई सो ग्राम सौंठ लेना है आपको ठीक है सौ ग्राम उसमें मेथी मिला लेनी है सौ ग्राम अजवाइन मिलानी है पचास ग्राम जीरा मिलाना है और चालीस ग्राम काली मिर्च पांच आइटम हो गए ये इन सभी को अच्छी तरह से पीस लिया आपने और एक किलो गुड़ में इन सभी को मिला लो सारा मटेरियल लगभग सत्रह सौ अट्ठारह सौ ग्राम हो जाएगा उसके पांच लाडू बना लो तीन साढ़े तीन सौ ग्राम का एक लाडू बन जाएगा एक दिन की डोज हो जाएगी और पशु को बच्चा देने के दूसरे दिन से पाँच दिन तक लगातार खिला दो एक एक लाडू आपको ना तो यूट्रोटोन सीरप लाने की आवश्यकता है ना तो कुछ करने की आवश्यकता है दस से बारह दिन में पशु की अच्छी छटाई हो जाएगी अच्छी तरह से पशु चारा खाएगा और 20 से 22 दिन के बाद उसका जो उत्पादन लेवल है वो हाईएस्ट होगा ज्यादा से ज्यादा होगा नहीं जो चीज मैंने बता दी आपको कोई बात नहीं जब इस ट्रेनिंग में आने का यही तो फायदा है कुछ काम आप कर रहे थे उसमें कुछ हमने सुधार कर दिया कुछ आप सीख के जा रहे हो आगे से आप ये काम करोगे आपको फायदा होगा ठीक है जी तो ये कुछ ऐसे काम है दूसरी चीज एक और जो अक्सर किसान शिकायत करता है साहब पशु को बाय हो गई है बाय किस सीजन में होती है बाय की समस्या जनरली जब सीजन चेंज होता है जब चारा आपका नया तैयार होता है जब होती है तो इसके लिए आपको क्या करना है कोई भी नया चारा तैयार हुआ है तो ऐसा नहीं कि आज हमारी कासनी तैयार है तो उठा के कासनी कासनी खिला दिया किसी भी चारे में बदलाव करना है तो पांच से सात दिन का टाइम लेना है आज कासनी तैयार है लेके आए हो आप थोड़ी सी डालो कल और मात्रा बढ़ा लो इसलिए चार से पाँच दिन के बाद आप जितनी मात्रा में चाहो तो खिला सकते हो तो क्योंकि पशु के अंदर जो पेट होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं तो उनका जो उसके प्रति सामंजस्य बैठना जरूरी है नहीं तो बाय हो जाएगी उसके अलावा एक काम आप लोगों को और करना चाहिए हर ब्यात में एक बायो बूस्ट के नाम से एक पाउडर आता है गोलियां भी आती हैं गोलियां नहीं देनी है बायो बूस्ट का पाउडर आप बच्चा देने के बाद एक हफ्ते बाद 20 ग्राम डेली बांट में डाल के आप पशु को खिला दो बाय की समस्या कभी नहीं आएगी ठीक है और एक चीज मैं बता दूं पशुओं को आप लोग बादाम खिलाते हैं क्या नहीं खिलाते चने भी नहीं खिलाते चने भी नहीं खिलाते सुनो मैं ये क्यों बोल रहा हूं खिलाने के लिए कह नहीं रहा हूं मैं पूछ रहा हूं बता रहा हूं हमें आपको अगर हम आप बादाम खाएंगे अखरोट खाएंगे चने खाएंगे मूंगफली खाएंगे तो इन सारी चीजों में जो प्रोटीन होती है वो बड़ी उच्च क्वालिटी की होती है बहुत अच्छी होती है अगर आप वही चीज पशुओं को ग्वार ग्वार खिलाओगे इन सब में जो प्रोटीन होती है वो लो क्वालिटी की होती है। लेकिन पशु क्या होता है उसके अंदर ऊपर वाले ने एक ऐसा सिस्टम दिया है उसके पेट के अंदर चार पार्ट होते हैं तो एक जो ऐसा पार्ट होता है आप कैसी भी प्रोटीन बेकार खिला दो उसके अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो उस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किसके बराबर जो बादाम में होती है अखरोट में होती है या काजू में होती है तो इसलिए पशुओं को हमेशा लो क्वालिटी की हम प्रोटीन खिलाते हैं लेकिन उनके लिए वो जो बैक्टीरिया है वो हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर देते हैं उन बैक्टीरियों की संख्या को बढ़ाने के लिए आपको मैंने बताया कि बायोगूस पाउडर आप 20 ग्राम डेली एक पशु को खिला दें एक किलो का पैकेट आए पचपन से छप्पन दिन में आप डेली उसको फीड करवाएंगे तो फिनिश हो जाएगा एक ब्यात में एक बार आप खिला दो कभी बाय की समस्या नहीं आएगी जो भी आहार आप उसको खिलाओगे उसका पाचन अच्छा होगा अच्छा पाचन होगा पशु को ज्यादा पोषक तत्व मिलेंगे ज्यादा पोषक तत्व मिलेंगे तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उससे आपको ज्यादा अच्छा उत्पादन मिलेगा ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए